आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है लौकी का हलवा। इसको आप नॉर्मल डेज में भी खा सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। आइए देखते हैं इसको बनाने की विधि। दोस्तों, ये मैंने लौकी कद्दूकस कर ली थी। ये खोआ है और ये चीनी है और ये थोड़े से केसर के लच्छे लिए हैं मैंने। ये इलायची पाउडर है और ये चॉप बादाम है। एक गैस पर मैंने पैन रख दिया है। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। और इसके गर्म होने पर इसमें 3 चम्मच करीब देसी घी डाल देंगे। और जब ये घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें लौकी कद्दूकस हुई डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे थोड़ी देर। अच्छी हो जाती है और गल भी जाती है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी हो जाती है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे। से इसमें लेट लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से गल जाएगी। अब फिर लेट हटा के देखेंगे। ये देखिए फ्राई जैसे होने लगी है। ये देखिए इस तरह से पूरी लौकी गल भी चुकी है और घी में फ्राई भी हो गई है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसी में ये पकती जाएगी। लौकी का हलवा स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ ये पौष्टिक भी बहुत होता है। आप इसको जरूर बनाइए और सब लोगों को खिलाइए। ये देखिए इस तरह से इसमें ये चाशनी जैसी बनती जा रही है। और जब ये अच्छी तरह से चाशनी बन जाए इसमें और घी भी छोड़ने लगा इसमें, ये देखिए इस तरह से पूरा पक जाएगा। रेड भी होने लगा है थोड़ा थोड़ा, चाशनी बिल्कुल सूख गई है उसमें। अब इसमें हम खोआ डालेंगे। खोआ डालकर इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मैंने इसमें खोआ डाला है। आप चाहें तो लौकी को दूध में भी पकाकर हलवा बना सकते हैं, बाद में ऊपर से थोड़ा सा खोआ डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो रहा है हलवा लौकी का। अब थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। केसर के लच्छे डाल देंगे, इलायची पाउडर इसको डालकर फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है।
लौकी का हलवा। और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इनके चॉप बादाम से गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए तैयार है हमारा लौकी का हलवा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।